हेलो एवरीवन, यहाँ पर आप एक यूनिवर्सल बेड मिलिंग मशीन देख रहे हैं और इसके कंपोनेंट्स और वर्किंग मैं समझाऊंगा आपको। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें दो हेड होते हैं बेसिकली, और एक हेड में आपका वर्टिकल डायरेक्शन में मिलिंग कटर लगता है, दूसरे हेड में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिलिंग कटर लगता है। ये देख सकते हैं, ये कॉलम है और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये वर्टिकल डायरेक्शन में मिलिंग कटर लगा हुआ है और ये प्लानिंग परफॉर्म कर रहा है, और इसमें कंटिन्यूसली आप कूलेंट सप्लाई करते हैं जिससे हीट जो जनरेट होती है वो डिसिपेट की जा सके। ये देख सकते हैं आप, वर्क पीस हैवी साइज़ का वर्क पीस है और इस वर्क पीस को टेबल के ऊपर क्लैंप किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये टेबल है और टेबल के ऊपर टी स्लॉट कटे होते हैं जिससे आप जो क्लैंप होते हैं उसको क्लैंप इसके ऊपर लग जाते हैं। ये आप देख सकते हैं टी स्लॉट है और टी स्लॉट के ऊपर क्लैंप लगते हैं जिससे आप वर्क पीस को कसते हो इसके टेबल के ऊपर। ये क्लैंप है जो मैं अभी हाथ से दिखा रहा हूँ आपको, और ये नीचे नट और बोल्ट से कसा हुआ है, ये भी क्लैंप है आपका दूसरी तरफ से इसको सपोर्ट करने के लिए। ये चिप्स हैं, इसको कंटिन्यूसली रिमूव करना पड़ता है यहाँ से, ये ब्रश आप देख सकते हैं, तो वर्क पीस से जो चिप्स निकलते हैं उनको हटा देते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये आपका कंट्रोल पैनल जो होता है इसका, वहाँ से कनेक्टेड है, इसको आप मैनुअली मूव कर सकते हैं। इसको बेसिकली बोलते हैं DRO, डिजिटल रीड आउट। इसमें एक्स वाई जेड डायरेक्शन में कितना मूवमेंट हो रहा है टेबल का वो आप देख सकते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें इसमें आप रीड कर सकते हैं। एक्स वाई जेड आप देख ही पा रहे होंगे इसमें, और एक्स वाई जेड का क्या मतलब वो अभी बताता हूँ आपको। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये वाला जो ब्लैक वाला नोब है, इससे आप टेबल को मूव कराते हैं एक्स डायरेक्शन में। बेसिकली ऑपरेटर के लेफ्ट और राइट में क्या है, एक्स डायरेक्शन है। और ये फीड प्रोवाइड करने के लिए, mm पर मिनट, मतलब ये टेबल जो वर्क पीस है उसको आप फीड प्रोवाइड करते हैं उसके लिए है। और अभी कूलेंट को ऑन ऑफ के लिए, और इसमें दो हेड हैं, तो ऊपर वाला रेड बटन है उसको पहले हेड को स्टॉप करने के लिए, और दूसरा रेड बटन है दूसरे हेड को स्टॉप करने के लिए। ये आप बटन देख सकते हैं, दो हेड हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ये देख सकते हैं, पहला जो था वर्टिकल और वो इमरजेंसी स्टॉप है। पहला जो स्टॉप है वो किस वर्टिकल मिलिंग कटर, दूसरा हॉरिजॉन्टल मिलिंग कटर के लिए। ये देख सकते हैं कूलेंट की सप्लाई को बंद और चालू करने के लिए, ये देखिए अब उन्होंने उधर कर दिया हो तो कूलेंट की सप्लाई चालू हो गया। ये जेड डायरेक्शन मूव कराने के लिए, वर्टिकली अप एंड डाउन जो टूल हेड मूव होता है, मिलिंग कटर का हेड मूव होता है, उसको बोलते हैं जेड डायरेक्शन। तो अभी आप देख सकते हैं ये जेड डायरेक्शन का, देखिए DRO में बता रहा है। ये जेड डायरेक्शन ऊपर करना पड़ता है इस तरह से, और ये आप फीड को बढ़ा सकते हैं। देखिए अब ये टेबल का मूवमेंट मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए ये टेबल का मूवमेंट है, ये बेसिकली एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ये आपने देखा यहाँ पे जो ब्लैक वाला नोब है उसको आपने उधर कर दिया तो ये एक्स डायरेक्शन मूव हो रहा है। नोब को लेफ्ट और राइट मूव कराना है तो नोब को भी आपको उसी तरह से करना पड़ता है, और फिर आपका जैसे सेट हो जाता है तो आपको उसको ज़ीरो पे लाना पड़ता है फीड को, अदरवाइज़ वो मशीन एकदम से स्टार्ट हो जाएगा तो एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं। ये पावर का ट्रांसमिशन किस तरह से होता है वो मैंने आपको दिखाया है। ये ऊपर वाला जो हेड है यहाँ पर, ये देख सकते हैं जिसमें मिलिंग कटर वर्टिकल डायरेक्शन लगा हुआ है, इसमें पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है, वो उसके लिए अलग से मोटर लगी हुई है, और इसमें अंदर गियर बॉक्स होता है। ये दूसरा हेड है उसके लिए
मोटर दूसरे हेड की मोटर है, और इस मोटर से आप यहाँ पे ये गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स से आप आरपीएम डिफरेंट आरपीएम को अचीव कर सकते हैं। और ये यहाँ पे दूसरा मिलिंग कटर लगाने के लिए यहाँ पे आर्बर और मिलिंग कटर लगा सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो किसी भी तरह का जॉब होगा उसको आप इससे कर सकते हैं। हाँ, इसमें सबसे स्पेशल चीज़ ये है, ये सर्वो मोटर लगा हुआ है। यहाँ पे एक्स वाई जेड डायरेक्शन में जो मूवमेंट हो रहा है वो मूवमेंट इन सर्वो मोटर से प्रोवाइड किया जा रहा है, और इसके लिए ये तीन स्क्रू लगे हुए हैं। इन तीनों स्क्रू के मूवमेंट से, इसमें एक स्क्रू एक्स डायरेक्शन के लिए है, एक वाई डायरेक्शन के लिए है, और एक स्क्रू आपका जेड डायरेक्शन के लिए है। ये मिलिंग कटर देख सकते हैं, और मिलिंग कटर के ऊपर इंसर्ट लगे हुए, इनको इंसर्ट बोलते हैं। तो आपका पूरा मिलिंग कटर काफ़ी टाइम तक चल जाता है, ये आपको सिर्फ बोल्ट खोल के इंसर्ट को चेंज करना होता है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से इंसर्ट है, और ये इंसर्ट दोनों तरफ से यूज़ हो जाती है। तो एक तरफ से ऐसे घिस जाए, बियर हो जाए, तो दूसरी तरफ से आप लगा सकते हैं। आजकल मतलब यही फैशन में चल रहा है, ब्रेज टूल वाला ज़माना मतलब कम होते हैं ब्रेज टूल यूज़, उसकी जगह ये इंसर्ट ज़्यादा यूज़ हो रही है। आपकी सीएनसी मशीन वगैरह में भी इसी तरह का इंसर्ट यूज़ होता है। ये इंसर्ट दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं किस तरह से, ये आपका 45 डिग्री पे कट करता है, और वो जो मिलिंग कटर मशीन में लगा हुआ है 90 डिग्री पे कट करता है। ये किस तरह से वो अचीव करते हैं वो आपने देखा। और ये कॉलम है, कॉलम के अबाउट ये जो ऊपर वाला हेड है, ये हेड बेसिकली स्लाइड हो सकता है, और ये नीचे वाला हेड है वो वर्टिकली अप एंड डाउन मूव हो सकता है। इस तरह से इन पर पूरा स्किल भी बना रहता है। ये आपका बेड है, ये बेसिकली नीचे वाला बेस है जिसके ऊपर आपका पूरा बेड मूव हो सकता है। ये यहाँ पे बेसिकली ये DRO के लिए सेंसर वगैरह लगा रहता है, जो कि एक्स वाई जेड डायरेक्शन में रीड करता है। ये आपको CNC वगैरह सब में मिल जाएगा, ये सेंसर है जो कि आपका रीड करता है वैल्यूज़ को। क्या बोल रहे हैं? ये पीछे बेसिकली जो आपका सर्वो मोटर है उसके लिए पल्स जनरेटर है, यहाँ से जो पल्सेस जाती है, और इसमें डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। सो फ्रेंड, दिस इज इट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू।